बिलंगपुर स्थित न्यू लोटस हॉस्पिटल पर एक मरीज के तीमारदार द्वारा इलाज के नाम पर हॉस्पिटल के द्वारा भारी धन उगाही की शिकायत पर 11 मार्च की देर शाम एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने जिलाधिकारी के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए न्यू लोटस हॉस्पिटल पर छापेमारी करके संबंधित हॉस्पिटल पर कार्रवाई के लिए सीएमओ को पत्र लिखा था। इसके बाद एक बार फिर एडीएम फाइनेंस ने मरीजों के दवा के खरीद फरोख्त से जुड़े मामले का खुलासा किया है। गौरतलब है कि शनिवार को एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह के साथ ड्रग इंस्पेक्टर जय सिंह ने अपनी टीम के साथ मेडिकल कॉलेज गेट के सामने राजू मेडिकल स्टोर पर छापा मारा, जिसके तहत न्यू लोटस हॉस्पिटल पर की गई कार्रवाई के दौरान दवाओं के रैपर पर छपे मूल्यों को बढ़ाकर मरीजों से वसूले जाने वाले बात सामने आई थी। वहां मिले दस्तावेजों की छानबीन के बाद एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में औषधि विभाग ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के राजू मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की है, जहां पर एडीएम एफआर को मार्केट में 205 रुपए मूल्य पर मिलने वाली दवा के स्टिकर में हेरफेर करके पहले 3,250 किया गया, जबकि राजू मेडिकल स्टोर पर यह दवा होलसेल रेट पर 140 के मूल्य पर खरीदी गई थी। इसके बावजूद 3,250 पर मरीजों को बेचने के बाद भी जब न्यू लोटस हॉस्पिटल के संचालकों का मन नहीं भरा तो उन्होंने दवा के रैपर पर 3,750 रुपए का स्टिकर लगा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हॉस्पिटल में मरीजों से उस दवा को खरीदवाने के बाद चिकित्सकों ने उस दवा को मरीज को भी नहीं दिया और मरीजों को झांसा देकर वापस मेडिकल स्टोर भेज दिया गया और फिर वही दवा दूसरे मरीज को बेचा गया। इस संबंध में एडीएम एफआर राजेश सिंह ने बताया कि दवा के एमआरपी में स्टिकर लगाकर हेराफेरी करने के जुर्म में राजू मेडिकल स्टोर पर चिलवाताल थाने में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दवा विक्रेता समिति के महामंत्री आलोक चौरसिया ने भी ओवर प्राइसिंग को गलत बताते हुए संगठन की तरफ से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दवा विक्रेता समिति के महामंत्री आलोक चौरसिया और एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, ये दवा है, इस पर
ये स्टिकर है जिससे 350 रुपये का स्टिकर ये बनाते हैं और इसके ऊपर चिपका देते हैं। मात्र ये 205 रुपये की दवा है, बिल तो ये 205 रुपये का ही काटते हैं, ये ठीक करते हैं। जो हॉस्पिटल वाले हैं उन्होंने कहा था। अच्छा, पिताजी का नाम श्री बसंत। कहाँ घर है? गांव जंगल छतरदारी टोला साहब। कौन थाना लगता है? कौन जिला? गोरखपुर। मोबाइल नंबर क्या है मेरा? हाँ, 9076920941। अच्छा, क्या करते हो यहाँ? दुकान की आपकी है वो? नहीं, हम काम करते वहाँ दुकान पे काम करते हो। दुकान किसकी है? दुकान पवन मौर्या की है। पतन पवन मौर्या। तुम्हारा क्या नाम, मतलब तुम वहाँ पे कितने दिन से काम कर रहे हो? ये सीट जो है ये जो दुकान से निकाले हो, ये दुकान में पीडीएफ बना रखी हुई है? पीडीएफ नहीं, आए थे टाइप करवाने, हम टाइप करके। कब से टाइप करके रखे हो दुकान में उतने? ये कब से रखे हो ये बना के? 10-15 दिन। 10-15 दिन। ये कौन निकलवाने यहाँ से जाता है? आप जाते हो निकलवाने? आओ इधर आ जाओ। तुम निकलवाने इनके यहाँ से जाते हो दुकान पे? क्या नाम है तुम्हारा? कैलाश। पिताजी का नाम? राम भवन। घर कहाँ है? कौन थाना लगता है? सिलुआ ताल। दुकान पे यहाँ काम करते हो? राजू मेडिकल स्टोर पे क्या काम करते हो? यहाँ दवा काम। यहाँ से निकलवाइए, ये वाला निकलवाने के लिए यहाँ से जाते हो? अच्छा, कितनी बार गए निकलवा के लाए? गम सीट। गम सीट कहाँ से लेके गए थे? कहाँ मिला गम सीट? दुकान से लिए। अच्छा, तो गम सीट पे प्रिंट करवा के लाए थे है? अच्छा, चलो। फलूक जी, राजू मेडिकल पर छापा प्रशासन ने मारा है, इस पे ये बताइए कि ओवर प्राइसिंग का जो न्यू लोटस हॉस्पिटल के कंसिडरेशन में मारा गया है, इसमें ओवर प्राइसिंग में आपको क्या कहना है? 200 रुपए की दवा थी, 3000 से ऊपर बेचा गया, इस पे आपका संगठन क्या स्टैंड रहता है? संगठन किसी भी आम जनमानस से जुड़ी हुई चीज़ है दवा। दवा एक सेवा का कार्य है और इस सेवा कार्य में अगर कोई अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए रीस्टैम्पिंग करके या लेबलिंग करके प्राइस को बढ़ा के अगर बेचता है तो ऐसे लोगों के एकदम सख्त खिलाफ है। संगठन इन्हें अपने संगठन से बाहर करने का काम करेगा और विभाग पे ये उम्मीद करता है कि विभाग उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, क्योंकि दवा जिसके पास संवेदना ही नहीं रह गई है और दवा के लिए अगर 200 का माल पे रीस्टैम्पिंग करके या लेबलिंग करके करता है तो संगठन ऐसे किसी भी कृत्य का या ऐसे किसी भी लोग के साथ नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी 2 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर न्यू लोटस हॉस्पिटल पर छापेमारी की गई थी, जिसमें सीमो साहब की भी टीम थी, ड्रग इंस्पेक्टर की भी टीम थी। ड्रग इंस्पेक्टर ने वहां पर ये पाया कि एक दवा मेरो ब्रिक्स 1GM करके है, उस पर MRP 3250 रुपये का लिखा हुआ था और स्टिकर 3750 का लगाया गया था। आज जब उनके होलसेल डीलर के यहाँ छापा मारा गया तो ये दवा वास्तव में कंपनी से उनको 140 रुपये में मिली है और होलसेल डीलर ही इसकी स्टिकर बनाता है और 3750 का स्टिकर लगा देता है। इसमें लालच की इंतहा ये है कि न्यू लोटस जो नर्सिंग होम है वो 3250 पर भी संतुष्ट हो सकता था। 205 रुपये की दवा 3250 में लगा रहे थे, परंतु उस पर भी उनको संतोष नहीं हुआ और वो उस पर भी 3750 रुपये का स्टिकर लगाकर बेच रहे थे। इसमें वे डॉक्टर जो इसको रिकमेंड कर रहे हैं घृणा के पात्र हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे षड्यंत्र में वो हिस्सेदार हैं। सर, जो ये खरीद रहे थे 3200 रुपये में, होलसेल रेट में 3200 में ले रहे थे कि? नहीं नहीं, होलसेल में 3200 में, होलसेल में तो इनको 205 रुपये में मिल रही थी। तो मरीज लोटस को 205 रुपये में मिली ये दवा और लोटस ने मरीज को 3750 रुपये में दिया और ये भी संभावना है कि उन्होंने मरीजों को इसको लगाया ही नहीं, केवल और केवल फर्जीफिकेशन किया, पेशेंट से 205 रुपये की दवा का 3750 रुपये लिया। तो सर, ये जो मेडिकल स्टोर पे अभी आप कार्रवाई की है वो कितना में इनको दवा दिए थे? 205 रुपये में।
वो कहाँ से दोषी है, किस मामले में? वो दोषी इस बात के लिए है कि स्टिकर का काम उन्होंने किया, 3750 का स्टिकर मेडिकल स्टोर ने ही बनाया, और वो उनके यहाँ जो होलसेल डीलर जो ये राजू मेडिकल स्टोर है इसके यहाँ स्टिकर हम लोगों को मिल गया, वो भी हम लोगों ने जब्त किया, उनके विरुद्ध चिलवाताल थाने में FIR हो रही है।